सो आज का जो अपडेट है वो थोड़ा बड़े अपडेट है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए और कुछ कैंडिडेट्स को पता हो गया था या हो जाएगा, क्योंकि ये जो अपडेट थी तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम जो ना थोड़ा काफ़ी बिजी होते हैं कामों की वजह से, और भी दुनिया के और भी मतलब कि बहुत सारे काम होते हैं, इस हिसाब से हम थोड़ा अपडेट नहीं कर पाते। बट मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लियर साफ बताया था, किसी का कमेंट आया था, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो, तो उसने कहा कि सर अगर जो लिस्ट लगती है तो कन्फर्म बता दें कि भाई कब लगेगी। मैंने उनको कल बोला था कि भाई जो लिस्ट है वो इंशाल्लाह कल लगेगी, और आप जो है ना जो हम कोशिश करते हैं यार इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वही बोलते हैं वही करते हैं। पिछले वीडियो में ये मैंने यही बताया था कि जो 17 या 18 जो 17-18 को जो लिस्ट लगने वाली है इंशाल्लाह लगेगी, और आप बार बार यही कमेंट करते हैं कि भाई सही सही बताएं, कन्फर्म बताएं। हम कन्फर्म की कोशिश करते हैं ताकि वही चीज़ आप लोगों को कन्फर्म बता दें, और वो चीज़ इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह वो कन्फर्म ही होती है। तो रही बात हम स्टार्ट करते हैं कि भाई जो इवनिंग की लिस्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंस हो चुकी है। अब आपका इंतजार है, अब आपका वेट है कि भाई आप लोगों में से ऐसे कैंडिडेट्स है जिन्हों का जो फॉर्म था वो इवनिंग में था कि किस किस का नाम जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में आया है। और दूसरी बात ये कि कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट बातें करनी है जो आप लोगों को सुननी है, कुछ शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को मैं सिंपल बता देता हूँ। सबसे पहले कि भाई आप लोग वो कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म जो है वो सबमिट किया था जिनका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं आया, उसका नाम जो है वो इवनिंग में वेट कर रहा था कि भाई मेरा नाम आ जाए, तो उसका अगर नाम आ गया है किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, पहली बात याद रखें किसी भी डिपार्टमेंट में किसी का नाम आ गया तो उसकी जो डेट है, जो चालान की डेट है, जो सबमिशन की डेट है वो है 26। ये याद रखें अपने जहन में, ये चीज़ रख लें कि भाई 26 जो है वो लास्ट डेट है। मे भी कोई और इशू बन जाए ताकि मे भी डेट एक्सटेंड कर दें ना कर दें, वही अलग चीज़ है, क्योंकि क्लासेस का जो पॉलिसी है वो स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मे भी वो डेट एक्सटेंड ना करें। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चालान जो भी प्रोसेस पूरा सिस्टम है वो आप लोगों को सबमिट करा देना है। और दूसरी बात, अगर को कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म तो सबमिट किया था बट उनका नाम पहले मेरिट्स पे भी आया था, डेट मीन्स जो 5 लिस्ट लगी हैं मेरिट बेसिस के हवाले से, मैं भी उनका सेलेक्ट किया है बट उन्होंने इवनिंग में फॉर्म सबमिट किया है, अब उनको क्या है वो कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा नाम जो है वो इवनिंग में आ गया तो क्या वो पिछले वाला चला जाएगा? मेरे जान मेरे भाई, हाँ बिल्कुल वो चला जाएगा। अगर वो आप लोग ले ही नहीं रहे, आपका नाम इसमें आ रहा है, हाँ ये हो सकता है जो फाइनल आपको लग गया है मे भी अगर वो उठाना चाहें तो वो भी आपका हो सकता है, अदरवाइज ये फर्स्ट वाला जो इवनिंग में है वो आप ले सकते हैं। और दूसरी बात कि भाई इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपने डॉक्यूमेंट जो है वो काइंडली अपने सबमिट करवा दें। मैं उसी दिन भी आप लोगों को यही बात बता देता हूँ कि भाई आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने आज लास्ट डेट है, इसलिए बोल रहा हूँ। कुछ कैंडिडेट्स आप में से ऐसे होते हैं जिनका पैकेजेस वगैरह सिस्टम जो है ना, जाहिर सी बात है सब तो अमीर नहीं होते, पैकेजेस नहीं करते, तो वो चीज़ आप वो समझ लें कि भाई डॉक्यूमेंट्स का सारा सिस्टम जो है वो क्लासेस 26 को लास्ट है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई अगर आप लोग कुछ कमेंट्स पूछ रहे हैं या फिर क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं कि भाई इवनिंग के हिसाब से या फिर हॉस्टल के हवाले से, क्योंकि जो इवनिंग में सिलेक्ट हुआ है वही फिर क्वेश्चन करेंगे कि सर हमारा जो क्लासेस हैं वो क्या इनसे साथ इनके साथ ही चलेंगे या फिर हमारे क्लासेस अलग ही चलेंगे। क्लासेस बात समझें, क्लासेस एक ही बैच के सेम ईयर में सेम मंथ में चलेंगे। देखें अगर क्लासेस जो हैं वो जो फर्स्ट सेकंड ईयर और जो सिस्टम चल रहा है कि भाई जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं और आप लोगों के लिए जब स्टार्ट होगा तो इवनिंग और मॉर्निंग दोनों चलेंगे। और तीसरी बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट इसमें ये बात है कि भाई कोरोना का सिस्टम जो है COVID-19 का वंस अगेन वो फैल चुका है, और बास में भी ऐसा हो कि क्लासेस जो हैं वो आपके क्लासेस फर्स्ट जो हैं वो फिज़िकल चलेंगे, उसके बाद जो सिस्टम चलेगा वो में भी आपका 15 डेज का ऑनलाइन कोर्स चले। पहली ये बात ध्यान में रख लें, इंशाल्लाह जो क्लासेस हैं वो उनकी भी कंफर्मेशन करके जो कंफर्म बात होगी उन पे हम बात करते हैं। तो क्लासेस आपके वैसे फर्स्ट पे जो नोटिफिकेशन आए पॉलिसी के मुताबिक, आपको भी मैंने भेजा, आप लोगों को भी पता है जो सिस्टम है पूरा वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे दें इजाज़त, और मैं हूँ आपका होस्ट मुफक्किर आफाक लाशारी, जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं।
तो कीप सपोर्ट इनमें सादिक एकेडमी यूट्यूब चैनल, जैसे भी आप लोगों को अपडेट चाहिए और आप लोग कमेंट करके बता देंगे भाई इस पे वीडियो बनाएं या फिर ये अपडेट हमें चाहिए जॉब के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, या ऐसे फ्री में कोर्सेज चल रहे हैं, इस हिसाब से आप लोग मुझसे बआसानी पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।